Zindagi forever. Zindagi forever. Naya Abhishek, Naya Masai. ये आपका वचन कहता है कि नई दाख रस को पुरानी मशकों में नहीं डाल सकते, इसलिए हमें नए होने की जरूरत है. God, your word says that you cannot pour new wine into old wine skins. And Lord, we want to be new, renew. हमें नया कर, हमारे ज़हन को नया कर, हमारी अकल को, हमारे दिमागों को नया कर, ताकि हम नए अभिषेक को ग्रहण कर सके, ताकि नए कुव्वत को ग्रहण कर सके. खुदा हमारे कांधों को हल्का कर दे, क्योंकि ये जो दुनिया का बोझ है बहुत भारी है, ये जुआ बहुत हावी है, लेकिन तेरा जुआ हल्का है. और हम उस जुए को उठा लें और उस बोझ को हम, क्योंकि ये बोझ होगा तो दुनिया के बोझ नहीं होंगे. और हमें यही बोझ अच्छा लगता है कि तूने कहा कि जो मेरे पीछे चलना चाहे अपना क्रूस उठा के चले. क्रूस का बोझ सबसे हल्का है, क्रूस सबसे आराम दे, सबसे आनंद देने वाला, सबसे ज्यादा सुकून और शांति देने वाला. ये बोझ जिसको तू पहले से उठा चुका है, हमें केवल तेरे पीछे चलना है. अपने हाथ उठा के अपने दिल को प्रभु की तरफ पूरी तरह से छोड़ दे. सारे बोझ उतार दें. यीशु आपके सामने खड़ा है, उसके प्यारे प्यारे चरण आपके सामने हैं, वो पूरी महिमा में आपके आगे खड़ा है. वो जो कल था वो आज है, वो अभी आपके साथ है. वो आपके कांधे से उस पूरे वजन को उठा रहा है. He's lifting up the burden from your shoulders. He's taking the yoke. He's removing the yoke. And he's taking it away forever. He doesn't want you to be burdened. He doesn't want you to be in pain. He doesn't want you to be in tears. But aapke badle sehra dena chahta hai. Wo aapke sir pe khushi ka sehra bandh dena chahta hai. Wo chahta hai ki aap anand banao. वो चाहता है कि आप खुशी मनाओ. कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरे पास है, तू किसी इंसान के पास नहीं, तू मेरे पास है. और देख, मैंने तेरे इस राग को जो मातम की राग थी मिटा दिया है, मैंने लहू से धो दिया है और तेरे सिर पे खुशी का सहरा बांध दिया है. तेरे सिर पे एक नई पगड़ी बांध दी है जो जीत की पगड़ी है. वो क्राउन मैंने तेरे सिर पे रख दिया है जो विक्ट्री का क्राउन है. मेरी बेटी, तो क्यों रोती है, क्यों डरती है? मैंने कहा नहीं था कि मैं दुनिया के अंत तक तेरे साथ हूं? भूल गई क्या मैं इंसान हूं जो वादा करके ना निभाऊं? I am not a man, I am the Lord. खुदा कहता है कि मैं प्रभु, मैं परमेश्वर हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं. तुम्हारा बोझ कुछ भी नहीं है मेरे लिए, बहुत छोटा बोझ है ये, तुम्हारे लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने हर बोझ कलवरी के क्रूस के ऊपर उठा लिया. मुझे मालूम है ये दुनिया आसान नहीं है, यहाँ पे ट्रबल है, लेकिन मैंने हर चीज को ओवरकम कर दिया है, मैंने हर चीज को जीत लिया है. हर चाबी मेरे पास है, मेरे पास आए हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे. धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु. बोलो सब मिलके. धन्यवाद.
चमत्कार दिया सारा बहुत। आई एम फ्री, बोलो आई एम फ्री। बाइबल कहती है कि whom the son sets free, जिसको बेटा आजाद करता है वो आमेन। नई आंखों से देखो, नई अनॉइंटिंग के साथ दुनिया को देखो, नए अभिषेक के साथ देखो और बोलो कि मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, आमेन। ये जो कैमरा है मिताली के पास, ये खुदा का इंस्ट्रूमेंट है। ये कैमरा मखसूस कर दिया गया है कि दिस विल बी यूज फॉर गॉड्स पर्पस। ठीक है, एक हमारे पास बड़ा भी कैमरा है। कौन सा कैमरा? एक बड़ा Z1 कैमरा है। तो एक बार हम जब जिंदगी फॉरएवर प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो किसी ने हमको कहा कि आपको कैमरे की जरूरत है, ये कैमरा हम आपको डोनेट करते हैं। तो वो कैमरा हमारे पास आ गया, बहुत अच्छा कैमरा, मार्केट में उस कैमरे की बहुत वैल्यू है। तो एक समझदार आदमी आया मेरे पास, क्या कहता है? कौन सा आदमी? अरे भाई आपके पास इतना अच्छा कैमरा है, आप संडे में एक बार यूज करते हैं, आप मुझे बताएं, मैं इसको किराए पे चढ़ा देता हूँ। ये रोज जाएगा इधर उधर सब काम, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री के लिए ऐसा आएगा किधर, अरे ये सब करेगा वो उल्टे सीधे जो भी काम है इंडस्ट्री के जो काम है वो करेगा, लेकिन उसके बाद ये पैसा आपको। मैंने कहा बोलो यीशु मसीह की, मुझे ये कैमरा किराए पे, हम अपने शरीर को किराए पे चढ़ा देते, प्रभु ने हमें रखा है अपनी महिमा के लिए, हमने शरीर किराए पे चढ़ा दिया है। जब संडे का संडे तो है ना, बाकी तो हम ठंडे रह सकते हैं। और आफ्टर ऑल यार इतना भी नहीं यार, आफ्टर ऑल नहीं, द लास्ट शैल बी द फर्स्ट एंड द फर्स्ट शैल बी द, हमें आफ्टर नहीं जाना है, हमें फर्स्ट जाना है। ये आफ्टर ऑल वाले आफ्टर ही हो जाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो हम वी आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज ग्लोरी, हम उसकी महिमा के भागीदार हैं, उसकी महिमा के इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर ये सुबह देखे कैमरा किधर है, सत्संग के दिन कैमरा कहीं और से आ रहा है, गलत मैगजीन की फोटो खींच के आ रहा है, तो बात कैमरे की नहीं है, बात यह है कि खुदा ने किसी किसी चीज को सैंक्टिफाई कर दिया है। वी आर सैंक्टिफाइड। सैंक्टिफाइड का मतलब है सेट अपार्ट, प्योर का मतलब, पवित्र का मतलब भी है सेट अपार्ट, जिसको अलग कर दिया उसको पवित्र कहते हैं। वी आर सेट अपार्ट फॉर जीसस क्राइस्ट। दैट इज ऑल इन अस। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, जोर से बोलो यीशु मसीह की, बोलो मैं अलग किया गया हूँ खुदा के लिए, मैं वो पवित्र प्रसाद हूँ, मैं वो पवित्र भोजन हूँ, मैं वो पवित्र इंस्ट्रूमेंट हूँ, विच हैज बीन सेट असाइड, सेट अपार्ट फॉर द यूज ऑफ होली स्पिरिट। आमेन। वचन के बाद में मैं आपकी पहले बताना चाहूंगी कि रीजन ये वचन शेयर करने का इसीलिए है कि मैं मसीह में आने से पहले बहुत डिसोबीडियंट रही हूँ और मेरी लाइफ में बहुत सारी डिसोबीडियंसेस रही हैं। और अभी जब भी मैं मसीह में आई हूँ उसके बाद में भी मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ डिसोबीडियंसेस रह गई हैं। पर आज खुदा के पावर से, स्ट्रेंथ से मैं ये कह सकती हूँ कि वो बाहर जा रहे हैं और वो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल, हम सब में बहुत सारी कमजोरियाँ हैं और कमजोरियाँ सिन नहीं हैं, पर जब वो डिसोबीडियंस बन जाती हैं, यानी कि आज्ञा का पालन जब हम नहीं करते हैं अपने पिता का, तब वो एक सिन हो जाता है। और मैं हमेशा ये शेयर इसलिए करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पुरानी ज़िंदगी में इससे बहुत रिलेट करती थी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने नहीं मानी हैं और नहीं की हैं। और मैंने जो वचन पढ़ा John 14:15, वो ये कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो दिस हैज रियली टच्ड मी बिकॉज अगर मैं हमेशा कहती हूँ और हर किसी से कहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से, अपने फ्रेंड से, सबसे कहती हूँ कि मैं खुदा से बहुत प्रेम करती हूँ, आई लव जीसस, आई लव हिम, बट अंदर जाके जब मैंने देखा तो डू आई रियली मीन इट कि मैं खुदा से प्रेम करती हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मैं इस पर एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि अगर मेरे हाथ पे कहीं पे एक जख्म है जो काफ़ी गहरा है, उस जख्म को कोई भी इंसान जो यहाँ पे सत्संग में बैठा है या बाहर भी है वो अवॉइड नहीं करेगा, इग्नोर नहीं करेगा, वो उसको वॉश करेगा, मरहम पट्टी लगाएगा और उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। हो सके डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है तो डॉक्टर के पास भी जाएगा और वो डेफिनेटली टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा उसके ऊपर, और वो उस जख्म जो ठीक हो जाएगा तो मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, इट्स गॉन।
वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के अंदर जो डिसोबीडियंस है, जानी हुई मानी हुई, खुदा डिसोबीडियंस से नफरत करता है, गॉड हेट्स डिसोबीडियंस. तो अगर हमें पता है हमारे अंदर वो है चीज, तो वो एक बीमारी की तरह है, एक नासूर की तरह है, और वो आगे जाकर हमारी स्पिरिचुअल डेथ में लीड कर सकता है. यानी कि हम बिल्कुल पीछे हो सकते हैं, ब्लैक साइड हो सकते हैं जैसे पार हमेशा कहते हैं, और हमारी स्पिरिचुअल मृत्यु हो सकती है और हमें पता भी नहीं चलेगा, और सच में बैठ के तालियां बजा रहे होंगे. और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम खुदा से जुड़े हुए हैं तो हमें रोज चेक करना है अपने आप को, जैसे हम अपने शरीर को चेक करते हैं. आज आने से पहले मैं अपने बेटे को नहला रही थी, आज मेरा चांस था, और मैंने जब उसको नहलाया मैंने बोला यो क्लीन क्लीन क्लीन, उसके हाथ पाथ उठाए, पीछे से चेक किया, यो क्लीन क्लीन वेरी क्लीन. पर तभी वो वचन की बात मेरे मन में है कि आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस अबाउट क्लीन क्लीन क्लीन, हाउ मच क्लीन 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 इज देयर इनसाइड, हाउ मच ओबीडियंस इज देयर इनसाइड. Cleanliness can't be externally, like it is always there if we love to be externally very clean, but internally clean करने के लिए disobedience को फेंकना है, वो जड़ से उखाड़ के फेंक देना है, क्योंकि वो हमारे खुदा के विपरीत है. God doesn't like us to be disobedient. मैं एक वचन में लेके जाना चाहती हूँ आपको, मत्ती की किताब में 21 और 28 में हम देखते हैं दो पुत्रों का दृष्टांत है, it's a parable of two sons. जहाँ पे उनका पिता उनको कहता है कि आप वाइन की जो उसकी बाड़ी में जाकर वहाँ पर आप कौन जाकर वहाँ पर काम करेगा. तो पहला पुत्र कहता है, मैं जिस पढ़ूंगी, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बाड़ी में काम कर. उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊँगा, परंतु बाद में पछता कर गया. फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उसने उत्तर दिया, जी मैं जाता हूँ परंतु नहीं जाएगा. इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया, उन्होंने कहा पहले ने. तो वैसे ही कभी कभी हम हैं, हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में डिसोबीडियंसेस हैं, पर जब हम मसीह के प्रेजेंस में आते हैं एंड थैंकफुली हमारे पास सत्संग है, हमारे पास पास्टर्स हैं, हमारे दोनों हमें हमेशा समय समय पर ठीक करते हैं, और जब हम ओबीडियंस में चलते हैं तो हम अपने पिता की बात को मानते हैं. और हमें याद रखना है कि हमें वो सेकंड सन नहीं बनना है जो कहता है सत्संग में आके कि मैं करूँगा, प्रेज द लॉर्ड, हाँ हाँ मैं आपके साथ में चलता हूँ, हाँ खुदा मेरे अंदर है, खुदा मेरे साथ है, वो झूठ है. अगर खुदा मेरे अंदर है तो मेरे अंदर डिसोबीडियंस नहीं है. तो जब मैं न्यू बिलीवर होने के नाते एक ही बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे अंदर ऐसी बहुत सारी डिसोबीडियंस जो मैंने निकालने की कोशिश की है. मैं डेफिनेटली इंकरेज और मोटिवेट करना चाहती हूँ हमारे यंगस्टर्स को, यूथ्स को, जो भी न्यू बिलीवर्स हैं कि आप प्लीज़ आपके अंदर झांकिए. पिता आपसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि कहीं भी ऐसा कोई कोना है जहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी छुपी हुई है उसको आप सामने लेकर आएँ, क्योंकि आप रोशनी के. क्या लगा रहे थे? कीबोर्ड लगा रहे थे. कीबोर्ड लगाने के लिए तार होती है और एक एक्सटेंशन बोर्ड है. एक्सटेंशन बोर्ड की सब कुछ हमने फिट कर दिया. क्या किया? सब फिट हो गया, सारा कीबोर्ड लग गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा हो गया. कीबोर्ड ऑन कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा है. कीबोर्ड ऑन कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा है. अरे सब परेशान है, कीबोर्ड खराब हो गया, तार खराब हो गई, एक्सटेंशन बोर्ड खराब हो गया, वो स्विच खराब हो गया. हुआ क्या? बोलो यीशु मसीह की. सब बोलो यीशु मसीह की. सब बोल रहे, सब परेशान है. मेरे आती हो सबसे पहले टेंशन होती है कीबोर्ड गया. अब ये सर्विस आदमी आगे सोचने लगता है, ये सर्विस पे जाएगा, एक महीना नहीं आएगा, पता नहीं कितना बड़ा बिल आएगा. ये कीबोर्ड तो आदमी को टेंशन आ गई है. पीछे से रीना आवाज देती, क्या हो गया? अरे कीबोर्ड नहीं चल रहा, पीछे से पावर बंद है. पीछे मैंने मेन ऑफ किया हुआ है, वो वाला जो पावर साइड वाला भी है स्टूडियो में, वो वाला साइड जहां से इक्विपमेंट चलता है वो वाला स्विच बंद है. स्विच ऑन किया, कीबोर्ड. हालेलुया. ऐसे ही हम लोग भी चर्च में, डेविल गो, सिकनेस गो, दाना गो, डिप्रेशन गो, कोई नहीं गोता. सब भाई बैठे ना, डिप्रेशन गया ना, ये गया, कर्जा को, ये वो, वर्जा को, कुछ टाइम चला गया, बस टाइम वेस्ट हो गया. बोलो यीशु मसीह की. सारे लोग बैठे, ओ लॉर्ड, दूसरे सब लगे हुए एक दूसरे के साथ, नीचे गिर गए सारे गिरे पड़े. कुछ उसके बाद उठ के फिर बीमार है, उसके बाद उठ के फिर वही तकलीफ है, उसके बाद उठ के वही गालियां दे रहा है, वही गुस्सा कर रहा है, वही लस्ट है, वही ग्रीड है, कुछ नहीं बदला क्योंकि पीछे से स्विच ऑफ है. पीछे से
लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, इतना एटमॉस्फेयर बन गया है, कीबोर्ड हो रहा है, कीबोर्ड हो जा रहा है, हवाएं बढ़ती हैं, ऐसा माहौल बना हुआ है, लेकिन माहौल से जीवन नहीं बदलता है, खुदा के वचन से जीवन बदलता है, उसकी बातों पे चलने से जीवन बदलता है। लोग इमोशनल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं लोग? उसके बाद निकले, अच्छी थी मीटिंग, अच्छी थी, सुनने में बात तो अच्छी है, पर क्या ये एनॉइंटिंग सच्ची है? सुनने में बात तो अच्छी है, पर क्या ये एनॉइंटिंग सच्ची है? अभिषेक खुदा के वचन से आता है। जिसको बदलना है वो एक बात सुन के अपने दिल में उसको तीर लग जाएगा और वो बदल जाएगा। लोगों का जीवन तभी बदलेगा जब हम प्रभु की, अमोस की किताब में 3:3 में जाएंगे हम, अमोस की किताब 3:3। हाँ जी, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो, अगर दो लोग, इफ टू पीपल डोंट अग्री, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? कैन दे वॉक टुगेदर? नो। If two people are not in agreement, if wire and the keyboard is not in agreement, और आगे दूसरी तार जो मिक्सर में जाती है, मिक्सर जो स्पीकर में जाती है, उसमें जो एम्पलीफायर है, सारी चीजें जब तक एग्रीमेंट में नहीं होगी, काम होने वाला नहीं है। खाना मैंने खाया कुछ दिन पहले, तो लोग कहते हैं खाना खाया, बोलो खाना खाया? हमने जाके पानी पूरी खा लिया सड़क का, या हमने कुछ गलत चीज खा ली, तो वो हमारे पेट के साथ अग्री नहीं किया। क्या नहीं किया? खाना पेट में गया, हेलो हेलो मैं भी आया हूं, पेट ने कहा मैं नहीं मानता आपने, और उसने अंदर जाके पेट के साथ लड़ाई की, और पेट क्या हो गया? खराब हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब हमने कुछ ऐसी चीज खाई जो हमारी, हमारे स्टमक के साथ अग्री नहीं की। अग्रीमेंट, बोलो अग्रीमेंट। दुनिया में सारी प्रॉब्लम इसीलिए कि अग्रीमेंट नहीं है। पिता का बच्चों के साथ एग्रीमेंट नहीं है, चर्च के अंदर एग्रीमेंट नहीं है, सब एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड तेरा गला काट दूंगा अगर, ओ लॉर्ड तूने मुझे रोक रखा है, खुदा अगर बीच में नहीं आता ना, एक रिवॉल्वर खरीद के ना तेरे को ठुकरा कर लेता। क्या नहीं है? एग्रीमेंट नहीं है। क्या नहीं है? कितना अच्छा राष्ट्रीय ने बोला कि दो बच्चे लड़ते हैं आपस में, 2 मिनट में एग्री कर जाते हैं। हाँ, उनको भूल भी गया, अरे उस, और बड़े आदमी मम्मी सिखा रही है बच्चे को, तेरे को पता है उसने तेरी बोल चुराई थी, तू उसके साथ भी खेल रहा है तू उसने तेरे को मालूम है मोटू बोला था तो मम्मी क्या हुआ? मेरा दोस्त है। नहीं बेटा, अच्छी बात नहीं है, वैसे भी उसकी मम्मी मेरी अच्छी दोस्त नहीं है, उसकी मम्मी के चक्कर में, क्योंकि उसकी मम्मी और ये मम्मी एग्री नहीं करती, उन्होंने बच्चों की भी दुश्मनी करा दी है। अग्रीमेंट, बोलो अग्रीमेंट, सब बोलो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट। Deuteronomy 18:15, व्यवस्था विवरण 18 और 15, व्यवस्था विवरण 18 और 15, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। तुम उस नबी की, the Lord your God will raise up from you a prophet like me from among you and your brothers, it is him you shall listen। तुम उसकी जब हम किसी की सुनते हैं, जो सुनने का मतलब सुनना नहीं, सुन के उसके ऊपर चलना। अगर हम किसी को कहते हैं कि तुम बेटा ऐसा मत करो, क्या सुन तो लिया ना लेकिन किया नहीं, वचन सुन तो लिया, योना ने सुन तो लिया लेकिन, तो क्या अग्रीमेंट पूरा हुआ? जब कोई घर खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, कोई एमओयू बनाते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? एक अग्रीमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जब कोई किसी को लोन देता है, लोन लेता है, तो क्या बनता है? एक अग्रीमेंट बनता है। जब शादी होती है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसे चलूंगी, मरने तक, जीने तक, ये तक, खाने तक, पीने तक, जो जो भी वादे करते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? जब लोग अग्रीमेंट को तोड़ देते हैं, अग्रीमेंट के ऊपर चलते नहीं। हम हमारे जीवन में परेशानी क्यों आती है? हमारी लाइफ के अंदर बीमारियां, हमारी लाइफ में झगड़े, हमारी लाइफ के अंदर डाउनफॉल्स, बड़े बड़े डाउनफॉल्स आते हैं, डाइवोर्स होते हैं,
बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, लोग चर्च टूट जाते हैं, बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं। कितने लोग जानते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारे गड़बड़ होते हैं हमारी लाइफ में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि समवेयर सम अग्रीमेंट हैज बीन ब्रोकन, समवेयर कोई किसी ने किसी का विश्वास तोड़ा है, किसी ने किसी के बारे में कुछ गलत किया है या करा है, या हमने प्रभु की किसी बात को नहीं सुना है, हमने प्रभु के किसी वचन के ऊपर नहीं चला है, हमने कुछ किसी के दिल को दुखाया है, विच इज अगेंस्ट द अग्रीमेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड दैट यू विल लव योर नेबर। हमने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया है और फिर हम कहते हैं कि ये मेरे साथ ना जाने क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उस अग्रीमेंट को, बोलो अग्रीमेंट को तोड़ा है, बोलो अग्रीमेंट को तोड़ा है, सब बोलो अग्रीमेंट को तोड़ा है। आमेन। यीशु मसीह ने, यीशु खुदा का लोगों के साथ एक अग्रीमेंट था। किताब में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा ने क्या किया? दुनिया के साथ एक, लेकिन सब लोग एग्री नहीं करते। कितने लोग हैं जो एग्री करते हैं? नो, आई डोंट केयर हु इज जीसस, मुझे जीसस नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को उधार भी नहीं चाहिए, मेरे को तो उधार चाहिए। मुझे उधार मिल जाए कहीं से और मैं लोन लेके बड़े बड़े काम कर दूंगा, लेकिन वो उधार के लिए उतना एक्साइटेड नहीं है जितना उधार के लिए एक्साइटेड नहीं है, उधार के लिए एक्साइटेड है। बस पकड़ी, भाड़ा भी था जेब में, चढ़ गया, भाग गया खुदा से दूर, खुदा से गया दूर, मछली खा गई, निकल गई मछली। ऐसे दुनिया की मछलियां, कहते हैं ना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, दुनिया की मछली बैठी है, ये जैसे ही निकलेगा, जैसे ही आपको मैं बताऊं, द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ, यू आर इन ट्रबल। द मोमेंट यू आर आउट ऑफ सिंक विद गॉड्स प्लान, दैट अग्रीमेंट, द मोमेंट, जिस क्षण आप परमेश्वर के प्लान से बाहर निकले, गड़बड़ हो गया। Amen.